आराम से अरे लो चलो फैल जाइए फैल जाइए आप धक्का मुक्कर दीजिए आप फिर और मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ सर। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत से बड़ी संख्या में बीए बीएससी के छात्र छात्राओं को फेल करने का काम किया गया है। इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा शून्य नंबर देते हुए छात्रों को फेल करने का काम किया गया है। सर ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी और अन्याय है सर। छात्रों के साथ आज तक किसी सरकार में चाहे किसी भी समय इस तरह का कभी रिजल्ट नहीं आया जहां पर इतनी बड़ी संख्या में शून्य नंबर देते हुए छात्रों को फेल किया गया। आज सर चार छात्रों ने आत्महत्या कर ली। अभी तक इनने कोई जवाब नहीं दिया है। हम इनसे मांग रहे हैं कि हमें लिखित आश्वासन दिया जाए लेकिन ये लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है सर। आते हैं सर हमें लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं झूठे वादे करके चले जाते हैं साजिश के साथ छात्रों को फेल करने का काम सर। हम लोग बांदा से आए पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा से और तरह से कई छात्र आए और कई छात्र यहाँ पर हो रही और सर यहाँ पर भैया पीछे अरे यार भैया नाम भैया मेरा नाम मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ सर। पिछले सालों का रिजल्ट उठा के देखा जाए तो मेरे साथ साथ मेरे साथियों का भी रिजल्ट 65-70% का रिजल्ट हुआ करता था लेकिन आज जब कॉपी देखी जाए तो उठा के कॉपी को देखा है तो कॉपी में शून्य नंबर दिए गए। इतिहास बना के दिया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने और जो काला टीका बुंदेलखंड के 90% छात्रों को फेल करके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बुंदेलखंड के छात्रों को देना और सर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करे इस बार का छात्र का इतना भी योग्य नहीं कि 33% नंबर लाए। हम लोगों की मांग ये है कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हो लेकिन उससे पहले आज हम लोगों की भले यहाँ से लिखित भले अगर हम लोग कुछ भी उठ जाए लेकिन लिखित पाते यहाँ का लिखित में ये दे हम लोग कौन बात करेगा आप बटन पर लगा थोड़ा यार पीछे करो आगे नहीं बढ़ते छात्र संघ नेता पंडित जैन डिग्री कॉलेज बांदा। सर हमारी ये मुख्य मांग है कि 3,000 रुपए जो 5 लोगों की कमेटी बैठा के इन लोगों ने किया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने किसान का लड़का उसके पास 2 साल की फीस तो भरने के लिए होती नहीं है। इन लोगों ने 2 साल की फीस एक वो भी एक पेपर में 3,000 रुपए और अभी मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि प्रति छात्र कर देंगे 3,000 रुपए। अगर होते तो अपनी सरकारी स्कूलों में न पढ़ लड़का पढ़ रहा होता प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता। ये सब हमारे पंडित जैन डिग्री कॉलेज का इतिहास है कि आज तक वहाँ ना नकल हुई है ना आगे तक होगी। वहाँ के लड़का भी छात्र परेशान है और इनको मैंने गड़बड़ी दिखाई है कि आपने पहले लड़के को फर्स्ट डिवीजन से पास किया फिर उसको सेकंड डिवीजन फिर फेल भी किया। इनको मैंने दोनों रिजल्ट दिए हुकुम सचिव जी को महादेव को पूरा एक एक सबूत इनको सबको दिया गया। बुंदेलखंड का समस्त छात्र आया हुआ है और उसने इस विश्वास से आया हो कि हमारी लिखित मांग पूरी करी जाए। इस तरह नहीं होगा कि बैठा के लॉलीपॉप देके और छात्रों को हनन करने का काम किया जाएगा। क्या समस्या देखा गया कि बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं योगी जी को नहीं दिख रहा कहीं पूरे बुंदेलखंड में 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्या रीजन रहा आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का इतिहास बदल गया है। 80% से ज्यादा छात्रों को फेल किया गया है। गरीब नौजवान छात्रों को बस अंधकार में है। योगी सरकार जागो मोदी सरकार जाग जाओ। अगर छात्र नौजवान सड़कों पे आ गया आपके प्रदेश की और केंद्र की कुर्सी आपकी हल जाएगी। और आज तो ये शुरुआत है
आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का नाम रहा है इतिहास के पन्नों में, दूसरा फिर नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा। योगी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। विश्वविद्यालय ने उस कॉलेज को ए प्लस की मान्यता प्राप्त की, उस कॉलेज को ए प्लस की रेट दी गई है। उस कॉलेज का स्वर्णिम इतिहास रहा है, ना वहाँ कभी नकल हुई है, ना वहाँ बिना पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन हुआ। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है उसका एडमिशन होता है। इसका मतलब कि बांदा शहर के हर कॉलेज का टॉपर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में मिलेगा। और आज वहाँ पे 85% छात्र फेल हुआ है। क्या ये छात्र जो फाइनल ईयर में फेल हुए हैं, क्या वो सेकंड ईयर में फेल नहीं हो सकते थे? आप ही बताइए, क्या वो जो फर्स्ट ईयर में आज फेल हुआ है वो इंटर टॉपर क्यों? 85% हमारे कॉलेज का हर चौथा बच्चा फेल है, हर चौथे बच्चे की बैक है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, छात्र ने लापरवाही नहीं करी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही है, या फीडिंग मिस्टेक है, या क्लर्कियल मिस्टेक है, या इन्होंने कॉपी नहीं चेक।